सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। महत्व इस बात का नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं, महत्व इस बात का है कि आप कितना अच्छा बनना चाहते हैं। जब आप किसी चीज में यकीन करें तो पूरी तरह से करें, निर्विवाद रूप से। हम हमारे दुनिया में तब तक शांति नहीं पा सकते जब तक कि हम अंदर से शांत ना हों। प्रसन्न रहना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। आज का पंचांग 19 दिसंबर 2021 दिन रविवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि सुबह 10:05 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृग शीर्षा नामक नक्षत्र शाम 4:52 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:21 से 5:41 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। मकर राशि 19 दिसंबर 2021 दिन रविवार। अच्छा, आपको दूसरों पर विश्वास करना होगा। यह आपका कोई करीबी या कोई दोस्त हो सकता है और वह आपकी किसी ऐसे विशेष काम में मदद करेगा जिससे आपके भविष्य पर काफी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी यह होगा कि आप उस व्यक्ति में विश्वास बनाए रखें। आपको अपनी ही तरफ से विश्वास की पहल करनी होगी। इस समय सकारात्मक परिस्थितियां बनी हुई है। आपके निर्णय उत्तम रहेंगे तथा स्वयं के साथ साथ परिवारजनों का भी मनोबल बनाकर रखेंगे। अचानक ही किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो कि आपकी उन्नति में भी सहायक रहेगी। परिवार के लोगों में बढ़ते विवादों की वजह से हर कोई एक दूसरे की गलती को निकालने की कोशिश करेगा। इस कारण परिवार का वातावरण पूरी तरह से बिगड़ता हुआ नजर आएगा। विवादों को सुलझाने की कोशिश सोच समझकर करनी होगी। काम की जगह कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत बातें फैलाने की कोशिश कर सकता है लेकिन वह अपने इरादों में कामयाब नहीं होगा। जिस व्यक्ति के लिए आकर्षण महसूस हो रहा था उस व्यक्ति की नकारात्मक बातें आपके सामने आने लगेगी। पेट दर्द और पेट संबंधित इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आहार में बदलाव करने की भी आवश्यकता होगी। सावधानियां। अगर तनाव या व्यवधान जैसी स्थिति बनी तो कुछ समय एकांत में जरूर मनन करने में लगाएं। आपको समाधान मिलेगा। किसी नजदीकी व्यक्ति से संबंधित कोई अप्रिय घटना घटने से मन उदास रहेगा। कुछ समय बच्चों के साथ भी व्यतीत करना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी आपसे सामंजस्य द्वारा घर की किसी समस्या का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे की भावनाओं सम्मान की भावना रखें। सावधान रहें क्योंकि धोखाधड़ी और प्रवंचना तेजी से आपकी तरफ बढ़ रही है। हालांकि यह बिना किसी खास उद्देश्य के और बहुत लघु है परंतु फिर भी ये आपको चोट पहुंचा सकती है। आज आप लेने की प्रक्रिया में रहेंगे। आज का दिन थोड़ा कठिन हो सकता है लेकिन अंत में ये आपके प्यार को मजबूती प्रदान करेगा। भविष्य में आपको अपने प्यार पर खुशी मिलेगी पर अभी बहुत ज्यादा व्यक्त करने से बचें। बात करते हैं करियर की। शोर विद्यार्थियों को आज के दिन शुभ संदेश मिल सकता है। जो विद्यार्थी आज के दिन प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं वे भी अपनी आशा से ज़्यादा अच्छी परीक्षा देंगे परंतु समय के अनुसार निर्णय और काम करना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इन घटनाओं से आपको जो अवसर मिल रहे हैं आपको शीघ्र अतिशीघ्र इनका उपयोग करना होगा अन्यथा अवसर हाथ से निकल सकता है। आपको एक कठोर और कठिन निर्णय अपनी कार्य क्षेत्र या करियर की सुरक्षा के लिए लेना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। अगर आप अपने खान पान संबंधित दैनिक आदतों का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। दूसरी तरफ जंक फूड से न केवल आपका शरीर प्रभावित होगा
बल्कि आपके दिमाग पर भी इसका असर पड़ेगा, जिसके कारण आप अपने फिट शरीर का आनंद नहीं ले पाएंगे। थोड़ी से अधिक स्वास्थ्य का जीवन शैली से आप फिट शरीर की इस खुशी को लंबे समय तक बनाए रख सकेंगे। आज का उपाय, आज आप गरीबों को गेहूं का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।